दिल्ली में फर्स्ट टाइम आके ट्रैवल कर सकते हो, मेट्रो वगैरह में, बस वगैरह सब कुछ मैं दिखाऊंगा इस बारे में। मेरा भी कुछ हालत ऐसा ही हुआ था, मैं टिकट लिया था ना, रेड लाइन मेट्रो, फ्री वाईफाई के साथ फ्री ट्रांसपोर्ट, क्या बात है। ये दिल्ली का पूरा बास का रूट, आप लोगों को पूरा बास का रूट आज दिखा दिया। इसका ब्लॉग वाला ब्लॉग आप अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को दिल्ली आने के बाद आप लोगों को ज़्यादा से सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे क्या करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ट्रैवल बाबू। सो गाइस, आज और एक न्यू फिश न्यू ब्लॉग फ्रेश न्यू ब्लॉग लेकर आप लोगों के सामने आ गया। तो आज मैं फिलहाल अभी हूँ दिल्ली न्यू रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो आज मैं आप लोगों को दिल्ली घूम के दिखाऊंगा, दिल्ली के आज कुछ हॉस्पिटल भी घूम के दिखाऊंगा, कैसे आप लोग दिल्ली में फर्स्ट टाइम आके ट्रैवल कर सकते हो, मेट्रो वगैरह में, बस वगैरह सब कुछ मैं दिखाऊंगा इस बारे ब्लॉग में। तो ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक ब्लॉग नहीं है, सिर्फ मैं कुछ हॉस्पिटल जाने वाला हूँ घूमने के लिए, देखने के लिए दिल्ली का, और मेट्रो भी ट्रैवल करूँगा, सब कुछ दिखाऊँगा। तो मैंने डॉ ब्लॉग के साथ वो सामने है दिल्ली न्यू दिल्ली जंक्शन, और इसके सामने है मेट्रो, ये है मेट्रो। चलो आज मेट्रो में फास्ट ट्रैवल मेट्रो में ही करता हूँ। सो गाइस, एक बात बता दो आप लोग, अगर आप लोग ट्रेन से ट्रैवल करके आते हो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप लोग को बाहर के और नहीं जाना होगा, डायरेक्ट आप लोग मेट्रो में आ सकते हो, क्योंकि स्टेशन से मेट्रो का डिस्टेंस एकदम इनसाइड एक ही रास्ता में आता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा दिल्ली मेट्रो, तो उधर से आपको टिकट करना होता है, और कहीं पर भी ट्रैवल करो तो चलो। तो और एक बात बता दूं, अगर कोई आते हो दिल्ली में और आप लोगों को बहुत घबराहट हो रहा है कि इसमें ट्रैवल करूं, क्योंकि मेट्रो का दिल्ली में बहुत सारा लाइनें हैं, तो आप लोग बिल्कुल घबराना मत, क्योंकि आप लोग अगर आते हो दिल्ली में हर टाइप का लाइन है, ठीक है। तो इसमें आप लोग गूगल मैप ऑन करके भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी टिकट वगैरह करो, जिसमें जाना है जाओ, एक टाइप से एक टाइप से बहुत ही इसका प्राइस भी कम है। तो चलो आगे का देखते हैं और डिटेल्स देते हैं। दिल्ली का मेट्रो समझना कितना भयंकर है, मतलब अगर कोई फर्स्ट टाइम दिल्ली में आ रहा है मेट्रो ट्रैवल करने के लिए, तो उसको रूट समझते समझते दिन चला जाएगा। मेरा भी कुछ हालत ऐसा ही हुआ था, मैं टिकट लिया था ना, मतलब वो तो उसे 20 कर लिया था, जिसमें मैं न्यू दिल्ली से लेके आया था राजेंद्र गेट, तो इसमें टिकट लिया था। तो अभी क्या है, फिलहाल इसका रूट समझने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। तो चलो, अभी तो मेट्रो का सफ़र दिखा दिया दिल्ली का, अभी बस ट्रेन ऑटो सबका सफ़र मैं दिखाऊंगा, दिल्ली का मतलब पूरा का पूरा टूर पैकेज समझ लो, इसमें सब कुछ आप देख सकते हो। चलो, दिल्ली का छोटा मोटा बस स्टैंड, मतलब देख सकते हो। ऐसे ही आज घूमता फिरता दिल्ली चले जाएगा। चलो, घूमते रहते दिल्ली में क्या क्या है वो भी दिखाएंगे, और अगले बार ब्लॉग में भी ऐसा आएगा, दिल्ली के इंडिया गेट बोलो, हाँ दिल्ली के मतलब खास खास टेंपल बोलो, सब कुछ मैं दिखाऊंगा। बने रहो चैनल के साथ, ब्लॉग तो ऐसे रोज़ को रोज़, अभी के अभी मतलब बैक टू बैक ब्लॉग आता ही रहेगा। तो चलो देखते देख सकते हो, माय गॉड इतना भयंकर ट्रैफिक है दिल्ली का, बाप रे। मेट्रो मतलब मेट्रोपॉलिटन शहर है, मतलब सिटी है ना दिल्ली, तो आप लोगों को कहीं पे मेट्रो मिल ही जाएगा, हर जगह में मेट्रो। तो इससे पहले जीरो लाइन मेट्रो में ट्रैवल किया था, अभी रेड लाइन मेट्रो में ट्रैवल करके दिखाएंगे दिल्ली का रेड लाइन मेट्रो, मुझे पता नहीं किस टाइप का, चलो देखते हैं। सो गाइस, दिल्ली मेट्रो के बारे में बात करूँ तो दिल्ली मेट्रो करीब 327 किलोमीटर में ऊपर पिसा हुआ है, जिसमें 5 लाइन आता है। और एक बात बता दूँ कि दिल्ली मेट्रो से दिल्ली में नहीं, दिल्ली मेट्रो से एकदम कनेक्ट लेके, मतलब दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके एकदम हरियाणा का गुड़गांव नोएडा ऐसे कुछ मतलब डिस्ट्रिक्ट में भी जाता है ये लाइन मेट्रो। तो इसमें हाँ बेसिकली कुछ कलर में डिवाइडेड रहता है, जैसे रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, फिर और भी बहुत सारा कलर है। तो जिस कलर के और मतलब आप लोगों को डिसाइड करना है,
से कौन सी कलर कौन सी लाइन पे जाता है ये आप लोगों को देख के टिकट करना होता है। टिकट करने के बाद आप लोग मेट्रो में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, जिसके लिए आप स्मार्ट कार्ड यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कार्ड वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हो। उस कार्ड के हिसाब से आप लोग पेमेंट करके जा सकते हो, तो इसके लिए आपको लाइन पर खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 236 किलोमीटर स्टेशन अवेलेबल है मेट्रो का, तो आप लोग कहीं से भी उठ के आप लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो देखते हैं अगले मेट्रो के बारे में और कितना इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलो देखते हैं आएगा जानने किस टाइप का होता है और कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग दे सकता हूँ। इस रूट का रोड का देख सकते हो, रोड मतलब इस रूट का जाम तो उतना नहीं है, बस ठीक ठाक ही है। चलो देखते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को मेट्रो के बारे में तो थोड़ा बहुत बता दिया। अगले वाले ब्लॉग ऐसे भी आता रहेगा मेट्रो के ऊपर, तो मैं उसमें भी डिटेल्स और बोल दूंगा। तो जो जो चैनल पे मेरा नया हो वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और चलो अगले वाले और भी मैं नोटिफिकेशन देता हूँ, तो अभी देता हूँ दिल्ली ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट बेसिकली गवर्नमेंट के बस के हिसाब से DTC मतलब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ऊपर होकर चलता है। तो जिस बस में आप लोगों को मतलब ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम प्राइस में आप लोग दिल्ली में पूरा ट्रैवल कर सकते हो। तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट की एक अच्छी वाली चीज़ मैं बता देता हूँ, जो दिल्ली के ऊपर बेसिकली दिल्ली के स्टेट के ऊपर फ्री है, मतलब आप लोग ट्रांसपोर्टेशन पूरा फ्री है सिर्फ लेडीज़ के लिए। लेडीज़ के लिए कोई टिकट वगैरह करना नहीं होता है, लेडीज़ के लिए बिल्कुल फ्री है ट्रांसपोर्ट। दिल्ली का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है सब कुछ फ्री है, जिधर भी जाओ दिल्ली में दिल्ली बस में, तो आप लोगों को एक पैसा भी नहीं देना होता है। और एक बात बता दूँ, दिल्ली मतलब दिल्ली जितना भी स्टेशन है बस स्टॉप, तो बस स्टॉप में अगर कुछ ऐसी ऐसी बस स्टॉप है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 90% बस स्टॉप ही आप लोगों को फ्री वाईफाई जोन मिल जाता है। मतलब बस स्टॉप के आपको बैठ के अपना मोबाइल को नेटवर्क फ्री मतलब रिचार्ज कर सकते हो, देख सकते हो, जिसमें आप लोगों को फ्री वाईफाई मिलेगा। तो इतना ही था। और दिल्ली ट्रांसपोर्ट जितना भी है बांस का, तो बेसिकली बहुत अच्छा लगता है दिल्ली घूमने के लिए। दिल्ली के बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें मतलब रोड के अंदर ही मिल जाता है, जैसे ये मेरे सामने अभी फ़िलहाल है दिल्ली न्यू संशोधन दिल्ली का जो गवर्नमेंट का बना हुआ है। तो अभी दिल्ली ट्रांसपोर्ट आप लोगों को अगर आते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस टाइप का है दिल्ली ट्रांसपोर्ट। तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट में आप लोगों को कम खर्चा में पूरा दिल्ली आप लोग मतलब घूम सकते हो। तो एक बांस का रूट सिर्फ जानने के लिए आप लोग मैप यूज़ करो, गूगल मैप में आप लोग जिधर से जाना है उधर उसका लोकेशन लगा दो, फिर उसमें बांस का नंबर आ जाएगा, उस बांस का नंबर के हिसाब से बांस में उठ के आप लोग जा सकते हो। इसके लिए किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना तक ही था बांस ट्रांसपोर्ट के ऊपर वीडियो। तो चलो देखते आगे का कितना इन्फॉर्मेशन दे सकते हो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो बने रहो चैनल के साथ। फिलहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अभी इसका राइड किया क्या किया हम लोगों ने, मतलब कौन सी जगह में गए थे, कहाँ बस ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल, मेट्रो ट्रैवल सब कुछ किया। तो चलो और भी करेंगे और ब्लॉग कंटिन्यू रहता रहेगा। तो चलो बने रहो ब्लॉग के साथ। अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। तो जो जो मेरे चैनल पे नया है जरूर सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं। चलो अगले बारे अभी बहुत ही एपिसोड है, मतलब दिल्ली का अभी दिखाऊंगा और कुछ। चलो बने रहो ब्लॉग के साथ। फिलहाल दोस्तों इतना तक था आज का जानने का हमारा सफ़र। तो चलो आप ही देखते हैं दूसरा कोई सफ़र में कल और नेक्स्ट और एक न्यू सफ़र लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तो आज का इतना ही था और कुछ नहीं। आज का सफ़र में आप लोग मतलब इतना कुछ देखा, मतलब बस में ट्रैवल, मेट्रो में ट्रैवल, ऑटो में ट्रैवल, मतलब सब कुछ आप लोग सफ़र में। अगर आप लोग दिल्ली में कोई फर्स्ट टाइम आते हो तो आप सबके लिए मैं बोल दूँ, अगर ये वाला ब्लॉग आप अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को दिल्ली आने के बाद आप लोगों को ज़्यादा से भी सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे क्या करना होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट और एक न्यू धमाकेदार ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग के से अब इधर ही एंड करता हूँ। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार ब्लॉग में अगले वाले सीरीज में। अभी के लिए बाय बाय।